चले भाई गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भाई तो भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोला आयुष प्रियंका मलिंगा विपिन रवि यादव जी पिंटू अंजलि मोस्ट वेलकम भाई सुजीत हर्ष सौरभ बहुत बहुत स्वागत है भाई अशोक चलिए तो लेकर चलते हैं आपको सीधे पहले प्रश्न की ओर और, और बढ़िया दमदार धमाकेदार प्रश्न और हाँ रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो टीसीएस के द्वारा या अन्य एजेंसीज के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं और अगले हफ्ते से मतलब मंडे से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जी हाँ साथियों पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर दिया है कई लोगों ने और राइट आंसर क्या है भैया इसका अफ्रीका इसका राइट आंसर है अब जरा अपनी स्क्रीन पर देखिएगा मैं आपको बताऊं जैसे साथियों ये एशिया है इसको क्या है? कहा जाता है एशिया को साथियों कहा जाता है सभ्यताओं का पालना एशिया एशिया महाद्वीप को और क्या कहा जाता है सभ्यताओं का पालना कहा जाता है साथियों इसी प्रकार से आप देखिएगा ये जो आपका अफ्रीका है साथियों इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्या कहा जाता है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है या इसको साथियों क्या कहा जाता है डार्क महाद्वीप भी कहा जाता है क्या डार्क महाद्वीप भी कहा जाता है इसको साथियों सांपों का देश भी कहा जाता है ठीक है क्या कहते हैं इसको इसको साथियों सांपों का देश भी कहा जाता है ठीक बात है अच्छा ये साथियों जो दक्षिण अमेरिका आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है भैया इसको जा, कहा जाता है पक्षियों का घर क्या कहा जाता है भैया इसको कहते हैं साथियों पक्षियों का घर कह सकते हैं ठीक है इसको क्या कहते हैं साथियों इसको कहते हैं नई दुनिया इसको क्या कहा जाता है नई दुनिया कहा जाता है अच्छा यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है साथियों यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या कहा जाता है साथियों इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा, कहा जाता है अच्छा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है तो इसको साथियों द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको इसको साथियों द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्या कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ठीक है और आप देखिएगा कि यहां पर साथियों नीचे अंटार्कटिका है तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको क्या कहते हैं उसको साथियों श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्या कहा जाता है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है या साथियों विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्या कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से महाद्वीप को क्या कहा जाता है आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से याद करने का प्रयास करना है बिल्कुल वीके का जी के अंदाज में है ठीक है ठीक ना बिल्कुल वीके का जी के अंदाज में है है भैया ठीक ना आप चाहे साथियों ले सकते हैं कि कौन से महाद्वीप को क्या कहा जाता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए स्क्रीन हो गया ठीक है तो बढ़िया सा प्रश्न था अब यह रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट बताइए भैया बताना है भाई गुड्डी गुड़िया रावेट बताए भैया संस्कारी बच्ची भी क्लास में है अब आंसर बिल्कुल आना चाहिए बढ़िया तरीके से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसर डिपॉजिट क्या हो जाएगा भैया प्लेसर डिपॉजिट हो जाएगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं हंड्रेड परसेंट पढ़ सकते हैं भाई विवेक चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले सीधा सीधा याद रखिएगा क्या कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं या प्लेसर रिजर्व कह सकते हैं प्लेसर भंडार भी कह सकते हैं हिंदी में ठीक है ना ग्रीन ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है देखिए ग्रीन लैंड की साथियों बात हो रही है तो ग्रीन लैंड किसके अंतर्गत आता है तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है खिये ग्रीनलैंड आपको यहां पर दिखाए तो ये साथियों ग्रीनलैंड कहां पर है ये है ग्रीनलैंड ये क्या है साथियों ये है लैंड अब एक बात समझिएगा कि अगर आप देखेंगे साथियों तो ग्रीन लैंड अगर भौतिक रूप से देखेंगे या भौगोलिक रूप से देखेंगे तो भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है उत्तर अमेरिका का यह उत्तर अमेरिका भाई ये महाद्वीप कौन सा है यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप है लेकिन इस ग्रीनलैंड पर जो कब्जा है यह ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है इस ग्रीनलैंड पर जिस देश का अधिकार है साथियों इस देश का नाम है डेनमार्क क्या नाम है इसका डेनमार्क नाम है साथियों और डेनमार्क कहां पर पड़ता है यूरोप में पड़ता है मतलब यह है कि अगर हम देखेंगे तो ग्रीनलैंड साथियों राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है राजनीतिक रूप से साथियों यह यूरोप का हिस्सा है राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है तो राजनीतिक रूप से यह यूरोप का हिस्सा है लेकिन भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है उत्तर अमेरिका का हिस्सा है भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है उत्तर अमेरिका का हिस्सा है बाकी याद रखिएगा कि यह वही ग्रीनलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है सबसे बड़ा द्वीप साथियों यही है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यही है ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया हाँ जी तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसको जरूर याद रखिएगा भैया शिवम हिमांशु आसिफा गुन्नू राहुल सचिन बहुत बढ़िया आओ अगला प्रश्न देख लेते हैं बिहार साथियों बीहर आम आमतौर पर आपको कहां देखने को मिलता है बीहर आम आमतौर पर आपको कहां देखने को मिलेगा याद करिए साथियों बिहार की अगर हम बात करें हाँ भैया मलिंगा डेली दोपहर में दो बजे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं डेली दोपहर में दो बजे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं पेड क्लास में अगर आपने हमारा चालक बैच लिया है या आरपीएफ के लिए ऑलराउंडर बैच लिया है ठीक है या आपने मेरा जीएस फाउंडेशन का बैच लिया है तो वहां करंट अफेयर्स मिल जाएगा ठीक है भैया तो कल से दो बजे करंट अफेयर्स की पेड बैच में जरूर मिलना ठीक है ना हाँ चलो बिहार आमतौर पर कहा मिलता है भैया चंबल में मिलता है कहां मिलता है चंबल में मिलता है ठीक बात है ना तो बिल्कुल याद रखेंगे चंबल घाटी के सरदार याद है आपको चंबल घाटी के सरदार चलो भैया जमशेद ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों ये न केवल दुनिया का भा, भाई दुनिया का भी है भारत का भी है दुनिया का भी है भारत का भी है और ये साथियों कहां स्थित है मासी मेघालय में स्थित है अच्छा एक बात बताइए ये तो आप सबको पता है कि मासी मेघालय जो है जो साथियों मेघालय है यहां पर तीन पहाड़ियां है ना कौन कौन सी है भैया गारो है खासी है और जयंतिया है और कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है तो चलो अब ये बताओ कि मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है बहुत बढ़िया तो मासिन राम साथियों किस पहाड़ी पर स्थित है यह साथियों खासी पहाड़ी पर स्थित है कैसे याद करोगे पता है आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब कोई खास्ता है जब कोई खास्ता है तो बहुत तेजी से बारिश करता है ना अपने मुंह से है ना भाई कोई खास्ता है अगर उसके सामने आप बैठोगे तो भीग जाओगे भीग जाओगे कि नहीं भीग जाओगे अरे याद करने का जुगाड़ है और सर्वाधिक वर्षा कहां होती है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं ठीक है तो ऐसे याद करना इजी हो जाएगा यह बताइए केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाया गया प्रथम तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी ठीक है ना तो देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए समय समय पर जो आयोग बनाए गए उनमें से तीन सदस्यीय जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे कौन सरकारिया कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है तो आपको बताना होता है किससे है भैया केंद्र राज्य संबंधों पर विचार से मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता दूं है ना केंद्र राज्य संबंधों पर अभी तक जो समितियां या आयोग गठित किए गए हैं ठीक है ना मैं उन पर साथियों एक बढ़िया सी ट्रिक बता दूं आपको तुरंत याद हो जाएगा वीके का जी के अंदाज में देखिएगा क्वेश्चन भाई एकदम सिंपल सी ट्रिक है क्या ट्रिक है प्रशासी प्रशासी राज्य सरकार प्रशासी राज्य सरकार प्रशासी राज्य सरकार पीछे है क्या ट्रिक है प्रशासी राज्य सरकार पीछे है ठीक है ना तो ये सिंपल सी ट्रिक है ठीक अब इसमें देखिएगा से क्या हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग ठीक है ना प्रशासनिक सुधार आयोग साथियों ठीक है सी से क्या हो जाएगा शीतलवाड़ समिति क्या भैया शीतलवाड़ समिति साथियों क्या शीतलवाड़ समिति राज से क्या हो जाएगा राजमन्नार समिति क्या हो जाएगा राजमन्नार समिति ठीक है सरकार से क्या हो जाएगा सरकारिया आयोग क्या हो जाएगा दोस्त सरकारिया आयोग हो जाएगा क्या हो जाएगा सरकारिया आयोग हो जाएगा और पीछे से क्या हो जाएगा पुंछी आयोग हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त पुंछी आयोग हो जाएगा क्या हो जाएगा पुंछी आयोग हो जाएगा ठीक बात है ना क्या हो जाएगा पुंछी आयोग हो जाएगा अब देखना भाई सीधी सी बात है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताए मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे कौन थे मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे ठीक है और शीतलवाड़ समिति के अध्यक्ष तो शीतलवाड़ स्वयं थे इसके भी अध्यक्ष राजमन्नार स्वयं थे इसके भी अध्यक्ष सरकारिया स्वयं थे और इसके अध्यक्ष कौन थे मदन मोहन पुंछी कौन थे भैया मदन मोहन पुंछी कौन थे मदन मोहन पुंछी थे ठीक बात है ना ऐसे याद करना आपके लिए आसान हो जाता है ठीक है ना ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो और बिल्कुल वीके का जीके वाला अंदाज है जबरदस्त ट्रिक है आप देखो ना एक लाइन याद करा आपने आपने एक साथ इतनी सारी समितियां और आयोग याद कर लिया जो कि क्या है केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं किनारे हो गया हूं फटाफट स्क्रीन ले लो ठीक है ना फिर चले अगले क्वेश्चन की ओर हाँ जी चलो ये बता दो हा जी कौन बता रहा है रीले शब्द का संबंध किससे है दोस्त चलो रिले संबंध का रिले शब्द का संबंध है हाँ ना भाई हाँ जी फटाफट तो राइट आंसर क्या है रनिंग ठीक है ना तो जो रनिंग होती है जो दौड़ होती है ठीक है ना जो रनिंग होती है जो दौड़ होती है उसमें रिले वर्ड यूज होता है ठीक है ना चलिए बाकी आप देखेंगे साथियों जैसे थ्रोइंग है थ्रोइंग थ्रो करना बॉल थ्रो करना किस में होता है क्रिकेट में बॉल थ्रो करना होता है वेट लिफ्टिंग तो आप जानते हैं कि किससे संबंधित है तो भैया वेट लिफ्टिंग का मतलब हो गया एक तरह से क्या वेट लिफ्टिंग अपने आप में ही एक वर्ड है ठीक है जिसमें क्या होता है कि भैया भार उठाया जाता है क्या किया जाता है भार उठाया जाता है ठीक है और फेंसिंग जो है किससे संबंधित है तलवारबाजी से संबंधित है किससे संबंधित है तलवारबाजी से संबंधित है ठीक है ना चलिए ये देखिए जरा तो हाँ भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग को हिंदी में भारोत्तोलन कहते हैं किस अनुच्छेद के तहत तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अब आइए जरा वित्त आयोग के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं साथियों जब हम बात करेंगे वित्त आयोग की किसकी बात करेंगे दोस्तों जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो जरा पूरी जानकारी लीजिएगा वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है इसका साथियों गठन किसके द्वारा किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे तो के सी नियोगी इसके अध्यक्ष थे कौन थे भैया के सी नियोगी इसके अध्यक्ष थे जो चौदहवा वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे तो वाई वी रेड्डी उसके अध्यक्ष थे कौन थे वाई वी रेड्डी इसके उसके अध्यक्ष थे पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो भैया एन के सिंह थे कौन थे साथियों सिंह ठीक है कौन कौन थे 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 सिंह वित्त वित्त आयोग आयोग के के अध्यक्ष अध्यक्ष तो अभी हाल ही में बनाए गए हैं नया नया बना है सोलह वित्त आयोग अभी अभी बना है साथियों अरविंद पनगड़िया है कौन है इनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तो बिल्कुल आपको याद करना है साथियों अब वित्त आयोग का काम क्या होता है केंद्रीय केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी केंद्रीय में में करों में राज्यों की हिस्सेदारी केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण को लेकर जो सुझाव होता है वो इसके द्वारा साथियों दिया जाता है ठीक है ना बिल्कुल महत्वपूर्ण है ठीक है या फिर यह समझ लीजिए कि केंद्र द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है उसका सुझाव भी इसके द्वारा है ना दिया जाता है केंद्र द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान जो दिया जाता है केंद्र द्वारा क्या किया जाता है राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है अनुदान की सिफारिश जो है वो इसी के द्वारा साथियों की जाती है कि सिफारिश इसी के द्वारा की जाती है ठीक है तो आप देखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से है अब आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और हां आप में से कोई अगर यह मानकर बैठा है कि एग्जाम में हल्के क्वेश्चन आएंगे तो खबरदार गड़बड़ हो जाएगा सावधान कर रहा हूं पहले ही तो याद रखना ठीक है ना तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा गठित की जाती है ठीक है साथियों चलिए आगे देखा जाए भाई गुड़िया रवि सपना नेहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बादशाह चलो भैया सौरभ ये देखो आप जानते हो ये आपकी नौ बजे वाली क्लास नियमित रूप से चलती है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ठीक है ना अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए अब आप देखेंगे साथियों काम सूत्र नाम की जो किताब है ये किसने लिखी थी वास्तन ने लिखी थी किसने ने लिखी थी ठीक है जैसे वसुमित्र है तो वसुमित्र के द्वारा प्रसिद्ध किताब लिखी गई थी कौन सी याद करिए कि वसुमित्र ने बौद्ध धर्म से संबंधित है वसुमित्र और इन्होंने क्या लिखा था भैया याद करिए बौद्धों का विश्वकोश कहा जाने वाला ठीक है ना महाविभाषा शास्त्र क्या लिखा था इन्होंने महाविभाषा शास्त्र तो बिल्कुल आपको याद करना चाहिए कि महाविभाषा शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया था महाविभाषा शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया था कालिदास के द्वारा तो आप जानते हैं कि कई सारे किताबें लिखी गई जैसे कुमार संभवम मालविकाग्नि मित्रम मेघ ठीक है तो वो आप जानते ही हैं चलिए ये देख लिया जाए हाँ भैया गुप्त काल की बात है ये चलिए भाई सौरभ अंजलि राहुल बताएंगे भाई अरविंद एक्सरे की खोज किसने की थी एक्सरे की खोज किसने की थी बिल्कुल आपको पता है भैया एक्सरे की खोज किसने की थी बिल्कुल फटाफट बता दीजिए भाई तो भैया ये की थी डब्ल्यू के रोएंटजन ने ठीक है कई बार ऐसे लिखा रहता रो एंट जन. क्या रो एंट जन. ठीक है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे रो एंट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है भाई चलो भाई बलराम ये आंसर बता दो फिर पहली अंतरराज्य परिषद देखो जब आप अंतरराज्यीय परिषद की बात करते हो मतलब आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हो और जब आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हो तो यह भारतीय संविधान का आर्टिकल 263 सिक्सटी के तहत इसका साथियों गठन किया जाता है ठीक है ना आर्टिकल 263 के तहत और याद रखिएगा कि गठन किसके द्वारा किया जाता है तो गठन साथियों प्रधानमंत्री होता, तो होता, होता है अच्छा इसके गठन की सिफारिश किसने की थी इसके गठन की सिफारिश किसने की थी बताए इसके गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी तो इसके साथियों गठन की सिफारिश सरकारिया आयोग के द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी सरकारीया आयोग के द्वारा की गई थी सरकारीया आयोग ने की थी कब इसका गठन हुआ था 1990 में पक्का याद रहेगा तो अंतरराज्यीय परिषद का काम क्या होता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है उसका समाधान के लिए ऐसा किया जाता है ठीक है भैया चलिए हाँ जी है ना नहीं भैया जमशेद बिहार दरोगा का फाउंडेशन बैच मेंस होने वाला है और आपको फाउंडेशन बैच चाहिए फाउंडेशन बैच इंडिविजुअल सब्जेक्ट का होता है ठीक है बिहार दरोगा रेलवे एस एस सी है ना इसका अलग से फाउंडेशन बैच तब आता है जब नियमित रूप से हर साल पेपर हो बिहार दरोगा हर साल तो होता नहीं है ठीक है चलो ये देखो जरा इस प्रश्न का आंसर भी देंगे जोरदार तरीके से भाई गुड़िया जी फटाफट भाई गोस्वामी बहुत बढ़िया भाई गोस्वामी जी चलिए बताइए इसका आंसर निम्नलिखित में में से किस राज्य लेपाक्षी मंदिर स्थित है अब देखो लेपाक्षी मंदिर को और क्या कहते हैं पता है इसको साथियों वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको इसको वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है कितने लोग जानते हैं कि वीरभद्र किस देवता को कहा जाता है वीरभद्र किस देवता को कहते हैं पता है वीरभद्र साथियों शिव जी का ना मतलब उग्र अवतार है शिव जी का ना के है ना भाई शिव जी का अवतार है शिव जी का उग्र अवतार जो है उग्र अवतार ठीक है तो शिव जी का जो उग्र अवतार है उन्हीं को साथियों क्या कहते हैं वीरभद्र कहते हैं वीरभद्र कहते हैं और कछुए के आकार की पहाड़ी पर स्थित है कहा स्थित है कछुआ के आकार कछुआ के आकार की पहाड़ी पर स्थित है आकार की पहाड़ी पर स्थित है ठीक है मतलब जिस पहाड़ी पर ये स्थित है उसका आकार साथियों कैसा है पता है कछुए जैसा है उसका आकार कैसा है कछुए जैसा है ठीक है उसका आकार दोस्तों कछुए जैसा है आंध्र प्रदेश में और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो याद करिए आंध्र प्रदेश में एक तिरुमाला पर्वत है याद करो जो तिरुमाला पर्वत है यह कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिरुमाला पर्वत पर स्थित है तिरुपति बालाजी क्या स्थित है भैया तिरुपति बालाजी आपने अक्सर सुना होगा तो तिरुपति बालाजी साथियों तिरुमाला पर्वत पर यही स्थित है तिरुपति बालाजी यही स्थित है तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके लिए जरूरी है ठीक है समझ आ रही है बात चले अगले प्रश्न की ओर बहुत बढ़िया ठीक है हाँ जी, हाँ तो लेपाक्षी मंदिर जो है इसको वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है आइए इस प्रश्न का आंसर देखिएगा बाकी आप देखिए जो फेमस मंदिर से केरल का, केरल का सबरीमाला मंदिर तो आपको जरूर याद होगा बहुत फेमस है सबरीमाला मंदिर ठीक है ना तमिलनाडु का भैया मीनाक्षी मंदिर आपको काफी है ना काफी आपने सुना होगा मीनाक्षी मंदिर ठीक है तो वही चीज है कि फेमस फेमस मंदिर है बाकी तमिलनाडु में राजराजेश्वर मंदिर भी है है ना भाई कैलाश मंदिर ही भी है कांचीपुरम का ठीक है चलिए बहुत बढ़िया इन सबका आंसर इसका आंसर सबने सही दिया है लाल बहादुर शास्त्री कब दिया था इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान है ना 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह नारा इन्होंने दिया था युद्ध के दौरान और याद रहे साथियों कि भैया ये लाल बहादुर शास्त्री है ना किसी रेल दुर्घटना की वजह से रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं ठीक है ना याद रहे कि किसी रेल दुर्घटना की वजह से रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं ठीक है, है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया और बाकी आप जानते हैं कि इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है बैच तो है भैया जमशेद लेकिन फाउंडेशन बैच उसको नहीं बोलते केवल दरोगा है ना बिहार एस है ना का एक बैच है लेकिन वो फाउंडेशन बैच नहीं है फाउंडेशन बैच होता भी नहीं है मेंस का कैसा फाउंडेशन बैच फाउंडेशन प्री का होता है मेंस का नहीं तो जो बैच है वही ले लो चलो ये बताओ भैया भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो पहले तो देखो भैया जो आई है हम जानते हैं कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यही तो होता है इंटरनेशनल मोनिट्री फंड यही होता है ना और बिल्कुल महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आपको बताया हुआ भी है कि देखिए क्या हुआ था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद करिए कि अगर हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें अगर हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें भैया तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था उन्नीस में हुआ था 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1900 चौवालीस <च्चाँ> में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और एक आईएमएफ की स्थापना हुई थी है है ना और इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, की जुड़वा संताने इसको कहा जाता है और इन दोनों का ही हेड ऑफिस एक ही जगह पर स्थित है कहां पर स्थित है भैया इन दोनों का हेड ऑफिस दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है जो कि अमेरिका की राजधानी है जो कि क्या है दोस्तों अमेरिका की राजधानी है पक्की बात है ना तो बिल्कुल याद रखिएगा 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप ये दोनों संस्थाएं बनी थी ठीक है भैया विराज चलो ये बता दो एक घटना है जिसमें तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं इसको क्या कहते हैं पेरुवियन तट पेरू का तट जानते ना पेरू पेरू कहां स्थित है दक्षिण अमेरिका में स्थित है कहा वही नेहा दक्षिण अमेरिका में स्थित है तो इसको कहते हैं अल नीनो और अल नीनो क्या करता है पर्यावरणीय दशाओं को कुछ इस प्रकार चेंज कर देता है कि आप देखेंगे कि भैया मौसम बदल जाता है ठीक है ना तो नीनो का मौसम संबंधी घटनाओं से संबंध है ठीक है चलिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है पृथ्वी के घूर्णन बल मतलब पृथ्वी के घूर्णन का मतलब समझ रहे कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर घूमती है उसी को घूर्णन बल कहते हैं तो कोरियालीसिस बल ठीक है ना अब देखिएगा इसमें दो चीजें हैं कि जैसे उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें और साथियों फिर दक्षिणी गोलार्ध ठीक है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और फिर सदर्न हेमिस्फीयर ठीक है ना तो अब देखिए होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में ये क्या करता है ये बल क्या करता है भाई ये हवा को ठीक है ये क्या करता है कि हवाओं को क्या करता है हवाओं को हाँ, हवाओं को दाएं मोड़ देता है ठीक है और यहां क्या करता है भैया ये? यहाँ ये साथियों हवाओं को है तो ना यहां पर क्या करता है हवाओं को बाएं मोड़ देता है ठीक है ना मतलब यह है कि कोरियालिस बल वह बल होता है जो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा को दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा को बाएं तरफ विच्छेपित कर देता है ठीक है भैया क्या कर देता है विच्छेपित कर देता है चलिए भैया नरेंद्र दिनेश भोला रवि यादव जी ये बताइए टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है चलिए फटाफट बताओ भैया हाँ जी तो देखो भैया ये है आ, आपका ये इंटरनेशनल 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 ठीक है इंटरनेशनल टेबल टेनिस टेबल टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन ठीक है ना टेबल टेनिस फेडरेशन ठीक है ये इसका फुल फॉर्म हो गया इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई लुसाने कहां पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है लुसाने कहां पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है।, है? है अब जरा एक चीज देख लीजिएगा क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ठीक है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ इन चारों का मुख्यालय एक ही जगह पर है और वो क्या है लुसाने स्विट्जरलैंड ठीक है ना क्या है भैया लुसाने स्विट्जरलैंड ठीक है ना जी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से कुछ और भी है जैसे अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ आपको क्या लगता है इतना आसान है सफ भाई सिलेक्शन लेना हा भैया योगेश ये ना कहो ये कहो कि याद कैसे होगा क्योंकि पसीने निकल गए होंगे इसको देखकर ना पसीने निकल गए होंगे कि आईटीटीएफ तो पहली बार सुना है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन 1926 में स्थापित हुआ लुसाने में स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है या ना यही नहीं याद हो रहा था फिर सर ने इतना और दे दिया तो कैसे याद करें आप समझो कि आपको क्या लगता है आप रेलवे का पेपर देने जाओगे या एसएससी का पेपर देने जाओगे ऐसे प्रश्न आपकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देंगे ठीक है ना इसलिए ऐसे प्रश्नों से डरना नहीं है क्योंकि आप सबको मैं बार बार कहता हूं कि जो डर गया समझो घर गया और जो लड़ गया समझो निखर गया ठीक है ना तो लड़ोगे तो निखरोगे बाकी डरोगे तो फिर ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भाई सौरभ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रामबोली को क्यों कहते हैं क्योंकि स्ट्रामबोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है क्या है एक सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव वोल्केनो है क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है तो चूंकि स्ट्रामबोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वोल्केनो है तो इसमें से लगातार उद्गार निकलते रहते हैं और जिसकी वजह से अगल-बगल का जो क्षेत्र है वो प्रकाशित होता रहता है ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये भूमध्य सागर है और इसमें इस बोली आपको यहां मिल जाएगा ठीक है यहां पर आपको स्ट्राम बोली मिल जाएगा अब ये जो स्ट्राम बोली है यहां से ये असक्रिय ज्वालामुखी है तो इससे निकलने वाला जो लावा है ये अगल बगल के क्षेत्रों को क्या करता है रोशन करता रहता है इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं किस देश के अंतर्गत आता है ये इटली के अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत आता है ये? ये इटली के है ना ये भी ये तीनों ही इटली के अंतर्गत आते हैं ये तीन के तीनों ही इटली के अंतर्गत आते हैं ठीक है ना हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले, चले भैया हाँ जी भैया जमशेद ठीक है ये बताओ जरा इसका आंसर अधिग्रहण और नगर नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है ठीक है ना देखो भैया नागरिकता मतलब नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने की शक्तियां हैं अनुच्छेद 11 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि यह शक्तियां संसद के पास है आप देखो ना कि संसद ने इसका इस्तेमाल कर भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया है कि नहीं संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है कब बनाया गया था याद करिए वर्ष उन्नीस में बनाया गया था ना वही चीज है अच्छा भारत में नागरिकता देता कौन है भाई देखो कानून जो है वो तो संसद बनाता है लेकिन नागरिकता कौन देता है अगर आपसे कहा जाए कि भारत में नागरिकता कौन देता है तो क्या बताओगे नागरिकता कौन देता है तो क्या बताओगे कौन सा मंत्रालय देता है नागरिकता कौन सा मंत्रालय देता है तो याद रखना गृह मंत्रालय देता, हाँ देता है कौन देता है भैया नागरिकता तो गृह मंत्रालय के द्वारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा नागरिकता दी जाती है ठीक बात है हा भाई बिल्कुल निष्ठा जी है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है ठीक है फिर से एग्जाम डेट आएगी तो फिर ताबड़तोड़ धुआं मचा देंगे टेंशन मत लीजिए प्रशासनिक सुधार आयोग अब याद करिए प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर हम बात करें तो जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था इसका गठन हुआ था वर्ष उन्नीस में और जो दूसरा था इसका गठन हुआ था दो में ठीक है तो पहला वाला मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में और दूसरा वीरप्पा मोहली के अध्यक्षता में ठीक है ना बस समझ लो तो एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खूब पूछा जाता है बार बार रिपीट होता है अच्छा सेशन को लाइक करना कौन कौन भूल गया है तो जरा एक बार दौड़ाकर सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में कंजूसी बहुत गलत बात है बहुत बदमाशी कर रहे हो लाइक करने में कंजूसी ठीक बात नहीं है। दो सवा लाइक पूरा होने में मात्र दो लाइक बाकी है तो दो सूरवीर कौन है एक बार दौड़ाएंगे हाजी, जी मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी तो थे सर्वाधिक दस बार बजट भी तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था क्यों भाई यादव जी बताओ भैया नरेंद्र राष्ट्रीय विकास परिषद याद करो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त उन्नीस को हुई थी कि नहीं हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भैया प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष ठीक है ना जी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है ठीक है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों का जो पैटर्न था वो कैसा था भाई देखिए हड़प्पा हाँ सभ्यता में आप देखेंगे तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी घर इस प्रकार से है ना सड़कों के किनारे इस प्रकार से बने होते थे ठीक है और इस प्रकार से बने घरों को क्या कहा जाता है इस प्रकार से बने घरों को कहा जाता है कि क्या है भैया ये जाल या ग्रिड पद्धति तो इसको रेक्टेंगुलर ग्रिड कह सकते हैं या इसको सामान्यतः कह सकते हैं जाल या ग्रिड पद्धति जाल या ग्रिड पद्धति तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जाल या ग्रिड पद्धति ठीक है अच्छा ये देखिए भारत का कौन सा राज्य विश्व में सफेद एशियाई बाघों का एकमात्र घर है पूरी दुनिया में सफेद एशियाई बाघों का एकमात्र घर क्या है पश्चिम बंगाल क्या है भैया पश्चिम बंगाल किसकी बात हो रही है बाघों की बात हो रही है ठीक है ना हाँ जी चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए जोरदार कमेंट के साथ आंसर आने चाहिए भारत के निम्नलिखित में से किस वन में 1932 में ठीक है विश्व की पहली बाघ जनगणना की गई थी देखिए यह दुनिया की पहली बाघ जनगणना है दुनिया की पहली बाघ जनगणना है जो कि पलामू वन क्षेत्र में की गई थी ब्रिटिश काल में झारखंड में कहां पर ब्रिटिश काल में झारखंड में ठीक है किसकी बात हो रही है यह बाघ जनगणना की बात हो रही है तो अगर हम बाघ जनगणना की बात करते हैं या बाघ गणना की बात करते हैं टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो जो वर्तमान में टाइगर सेंसस होता है यह पहली बार कब हुआ था तो पहली बार टाइगर सेंसस हुआ था 2006 में जो वर्तमान वाला होता है और साथियों जो 2022 में टाइगर सेंसस हुआ था वह पांचवी रिपोर्ट थी पांचवी रिपोर्ट थी ठीक है और यह पांचवी रिपोर्ट कब आई थी 2023 में आई है 2023 में आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वह छत्तीस है छत्तीस बयासी है इसमें बताया गया है कि विश्व का 75 प्रतिशत विश्व का 75 प्रतिशत बाघ विश्व का 75 प्रतिशत बाघ भारत में है कहां पर है भारत में है ठीक है ना इसमें यह भी बताया गया है कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है वार्षिक वृद्धि दर ठीक है वार्षिक वृद्धि दर भारत में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है यह बताया गया है उन्नीस ठीक है ना यह भी बताया गया है कि अगर हम सर्वाधिक संख्या की बात करें सर्वाधिक संख्या की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश दूसरे पर आता है कर्नाटका ठीक है तीसरे पर आता है उत्तराखंड मध्य प्रदेश में सात सौ पचासी बाघ है ठीक है कर्नाटका में पांच सौ तिरसठ है और उत्तराखंड में पांच सौ साठ है ठीक है ना ये रिपोर्ट है ठीक है अब इसी प्रकार से आप देखोगे कि भैया बाघ ठीक है सर्वाधिक संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है सर्वाधिक संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है बताओ सर्वाधिक संख्या वाला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है तो सर्वाधिक संख्या वाला जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम क्या है पता है जिम कार्बेट और जिम कार्बेट तो आप सबको पता है कि जिम कार्बेट कहां स्थित है बताओ जिम कार्बेट भाई उत्तराखंड में स्थित है और यहां पर दो बाघ है कितने है? दो सौ साठ बाघ है समझ रहे हो भैया बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है भाई बाघ गणना की बात हो रही है ठीक है चार चार वर्षों पर होता है चार चार वर्षों पर बाघ गणना होती है चार चार वर्षों पर जो बाघ गणना है है दोस्तों वो होती ठीक है ना तो बिल्कुल आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीके का जीके है न झुकेगा न झुकने देगा अब की फोड़ के रख देना है एग्जाम की खोपड़िया और ले लेना है अपने लिए एक नौकरी ठीक है ना चलिए देखेगा तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट फटाफट फड़ ले लीजिए डेली आपको नौ बजे शानदार वाली क्लास देखने को मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी ठीक है ना चलिए अच्छा भैया सौरभ ठीक है ठीक है ठीक है ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों और आपको दिखाते हैं एक और शानदार से प्रश्न का दम ठीक है यह बताएंगे बताओ भैया पिंटू मलिंगा फैसल बताओ भैया हाँ जी नेहा सौरभ भारत में पहली बाघ जनगणना कब हुई थी तो अभी अभी आपको बताया कि 2006 में हुई थी है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है भाई संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो जिम कार्बेट है जिसे रामगंगा भी कहते हैं ठीक है लेकिन यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है ठीक है आप देखिए भाई मानस कहां मिल जाएगा यह साथियों असम में मिल जाएगा ठीक है पेरियार कहां मिल जाएगा भैया केरल में मिल जाएगा ठीक है ये नागार्जुन कहां मिलेगा ये आंध्रा और तेलंगाना दोनों में स्थित है आंध्र प्लस तेलंगाना दोनों में स्थित है भैया आंध्रा प्लस तेलंगाना दोनों में स्थित है, है ठीक बात है चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं तो अभी अभी बताया है कि छत्तीस बाघ हैं कितने बाघ हैं छत्तीस बाघ हैं चलिए यह बताइए पेरी प्लेनेटा किसका वैज्ञानिक नाम है चलिए फटाफट बताएंगे इसमें से किसका वैज्ञानिक नाम है कॉकरोच कॉकरोच। का। लोग भारतीय कॉकरोच से इतने डरते हैं अमेरिकन कॉकरोच तो फिर छोड़ ही दो एक बार जरा कमेंट करा के देख लेते हैं कितने लोग कॉकरोच से डरते हैं एक बार जोरदार कमेंट करके बता दो कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जो कॉकरोच से डरते हैं बताओ जरा तो जी फटाफट ईमानदारी से बताएंगे देखो हंस रहे हंस का रहे ये जो, जो लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर मुझे शक है <laughs> चलो अच्छा इसका आंसर बताओ नहीं डरते हैं बहुत बढ़िया चलो ये बताओ अब देखो मयूरभंज हाथी रिजर्व कहां स्थित है भाई मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में स्थित है नीलगिरी हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है पेरियार हाथी रिजर्व केरल में है और देहिंग पट कोई भैया असम में है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं सी डी बी ए आंसर हो जाएगा सी डी बी ए आंसर हो जाएगा देखो बात हो रही है हाथी रिजर्व की तो अगर हम हाथी रिजर्व की बात करें तो पहला हाथी रिजर्व अक्सर पूछा जाता है और हाल ही में तैंतीसवा हाथी रिजर्व भी घोषित हो चुका है समझ रहे हो बात को तो पहला हाथी रिजर्व कहां घोषित किया गया था सिंह भूमि झारखंड कहा दोस्त सिंह भूमि झारखंड तो पक्का याद रखना है और तैतीसवा भी हाल ही में घोषित किया गया है तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश ठीक है ना तो देश में कुल मिलाकर तैतीस हाथी रिजर्व हो गए अच्छा ले भैया मलिंगा बाबू कह रहे हम तो आंटी से भी आंट से भी डर जाते अच्छा अच्छा वो सॉरी चीटी कह रहे हो चीटी से भी डर जाते हो फिर तो जीना ही बेकार है एह? फिर तो चींटी से डर जाते हो तो फिर क्या मतलब क्या कहें मतलब है डरने वालों की जगह कहाँ है धरती पे चलो ये बताओ जरा हाँ चिंटी से जरा डर आप देखो अगर चिंटी से डरोगे तो लोग आपका नाम चिंटू रख देंगे फिर इसलिए चिंटी विंटी से मत डरा करो ये बताओ बहुत बढ़िया भाई यादव जी भारत में चिस्तिया संप्रदाय के संस्थापक तो आप जानते मोइनुद्दीन चिश्ती भाई देखो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है अजमेर शरीफ भाई इनका मकबरा कहाँ है अजमेर शरीफ राजस्थान ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है दिल्ली सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिकरी आगरा ठीक है ना और याद करिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बना है कुतुब मीनार कुतुब मीनार तो आप जानते ही है कि दिल्ली में है तो कुतुब मीनार साथियों इन्हीं की याद में बना है चलो फिलहाल ये बता दो फिर हाँ जी भाई शीतल जी बताइए फटाफट हाँ अच्छा तुम सिर्फ शेर से डरते हो ये ज्यादा हो गया अगर तुम शेर से डरते हो सिर्फ तो फिर आपको जो तेंदुए के आगे डाल दिया जाए तब क्या होगा बताओ चलो ये बताओ मतलब इतना भी <laughs> इतना भी ऊपर नहीं फेंकना था पेरियार हाथी रिजर्व कहां स्थित है केरल में देखो ऐसा है अगर आप देखोगे साथियों तो केरल में पेरियार नदी भी है और केरल की सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी है ना केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी उद्यान भी तो है समझ हो तो बिल्कुल आराम से याद कर सकते सबसे बड़ी नदी है ठीक है ना चलिए जाए अरे वाह क्या बात है भैया देखो ऐसा है कि आप साथियों किसी भी प्रकार का कोई भी बैच लेना चाहते हो चाहे बिहार दरोगा का लेना हो चाहे रेलवे का कोई बैच लेना हो चाहे एसएससी का लेना हो या फिर आपको मेरा जीएस फाउंडेशन का इंडिविजुअल बैच लेना हो अगर आप में से कोई यह चाहता है कि मेरा जीएस फाउंडेशन का जीएस का स्पेशली इंडिविजुअल बैच लेना कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वीके का जीके स्टाइल में क्या करना है वीके टेन कूपन कोड का इस्तेमाल करना है एप्लीकेशन पर जाइएगा और VK10 टेन कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा बिना स्पेस दिए लिखिएगा VK10 वन जीरो और आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा है हा ना हाँ दस प्रतिशत का बंपर डिस्काउंट आपका गुरु जी दस परसेंट का बम्पर डिस्काउंट होता है अब भैया हम अपनी तरफ से अभी तो यही दे सकते हैं ठीक है वैसे भी फी बहुत नॉर्मल होती है नॉमिनल होती है तो ठीक है दस डिस्काउंट बहुत है ठीक आओ जरा ये बताओ भारत का तैतीसवा हाथी रिजर्व कौन बताएगा हाजी लो भैया खान जी कर मैं किसी से नहीं डरता पापा की मार की बात अलग है हा चलो तो भारत का तैतीसवा हाथी रिजर्व आपको बता चुके हैं भैया उत्तर प्रदेश में स्थित है इसका नाम है तराई हाथी रिजर्व क्या नाम है तराई हाथी रिजर्व केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है देखो केंद्र और राज्य के बीच ऐसा कोई भी देश जहां पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होता है उस देश को क्या कहते हैं उस देश को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था वाला देश क्या कहते हैं भैया उस देश को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था वाला देश ठीक है और भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है वो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत है जिसमें दिया हुआ है संघ के लिए संघ सूची सौ विषय राज्य के लिए राज्य सूची ठीक है इकसठ विषय और दोनों के लिए समवर्ती सूची जो कुल मिलाकर 52 विषय है कितने भैया 52 विषय ठीक है ऐसे आराम से याद कर लेंगे आइए जरा ये बताइए भाई बताना आरोया कोंडा या आर्मा कोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित तो है देखो आर्मा कोंडा है कहां पर आंध्र प्रदेश में स्थित है मुख्य रूप से कहां पर आंध्रा में तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये किस में स्थित है पूर्वी घाट में स्थित है ठीक है कहां पर स्थित है भैया पूर्वी घाट में स्थित है तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कन्नौस का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था याद करिए एक ट्रिक हमने आपको बताई थी क्या भैया दे चौके हुमायूं सर बताया था कि नहीं दे चौके हुमायूं सर बताया था दे चौके हुमायूं सर अब इस ट्रिक का फायदा यह था कि इस य, इस युद्ध में मतलब यह ट्रिक किससे रिलेटेड है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों की है ना हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों की तो देश हो जाता है देवरा का युद्ध ठीक है ना देवरा का युद्ध जो कि आप देखेंगे तो 1531 में लड़ा गया था चौ से हो जाता है चौसा का युद्ध ये सीक्वेंस से है ठीक है चौसा का युद्ध पंद्रह में ठीक है का से हो जाता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है ना पंद्रह ठीक है 1540 और फिर सर से हो जाता है सरहिंद का युद्ध सरहिंद का युद्ध ठीक है ये सीक्वेंस है मतलब हुमायूं ने पहले ये युद्ध लड़ा फिर ये फिर ये फिर ये ठीक है, फिरी है, फिरी है। और आप जानते हैं कि कन्नौज के युद्ध में ठीक है भाई मुगलों को शेरशाह सूरी ने हराया था मतलब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने परास्त कर दिया था हरा दिया था स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है भैया स्वेज नहर साथियों देखिए स्वेज नहर जो है यह दुनिया की सबसे लंबी नहर है आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नहर है दुनिया की सबसे बड़ी नहर सबसे बड़ी नहर ठीक है लेकिन कहां की विश्व की सबसे बड़ी नहर है अगर भारत की सबसे बड़ी नहर पूछे तब क्या बताओगे भारत की सबसे बड़ी नहर पूछे तब क्या बताओगे तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है इसका राइट आंसर क्या है भैया भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ठीक है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे आप देखेंगे पनामा नहर है पनामा नहर किसको किसको आपस में जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है इसी प्रकार से आप देखिए कील नहर है कौन सी कील नहर तो कील नहर किसको किसको आपस में जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से किससे भैया उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से यूरोप में स्थित है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से यह जो कील नहर है जर्मनी में है जर्मनी यूरोप का एक देश है ठीक है ना हाँ ऐसे ही एक आपने शायद सुना होगा सुनहर ठीक है जो नहर है यह किसको किसको आपस में जोड़ती है सुपीरियर झील को किसको भैया सुपीरियर झील को यूरान झील से सुपीरियर झील को यूरान झील से ठीक है ना सुपीरियर झील को यूरान झील से जोड़ती है ना भैया हाँ अच्छा भैया चंद्रेश्वर तुम्हारे जैसे मतलब ज्यादा कूदने वाले है ना मतलब ज्यादा कूदने से ही दिक्कत हो जाती है ज्यादा कूदने से जाते हो क्या दिक्कत हो जाती है हम अपने ही धर्म के एक पवित्र से त्योहार और पवित्र से रिश्ते को बदनाम करते हैं ठीक है ना इसलिए बकलोली ना करो ना माउस उठाएंगे वे ब्लॉक कर देंगे ठीक है हाँ जिनको अपने ही धर्म की है ना ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको अपने ही धर्म की चिंता नहीं है अपने ही धर्म के एक पवित्र से त्योहार की चिंता नहीं है अपने ही पवित्र रिश्तों की चिंता नहीं है ऐसे लोग पढ़ाई करके कहीं सेलेक्ट होके सरकारी नौकरी लेके कोई अधिकारी क्लर्क बनके क्या करेंगे है ना आ, होली आने वाली है तो कुछ लोग पागल हो जाते हैं है? हाँ। तो होली को होली की तरह मनाओ ठीक है बकलोली की तरह नहीं ठीक है चल फीफा का पूर्ण रूप बताना है क्या बताना है फीफा का पूर्ण रूप देखो भैया फीफा की अगर हम बात करें तो पहली बात तो फीफा की स्थापना दोस्त कब हुई थी स्थापना 1904 में हुई थी एक जरूरी बात यह है कि 1904 में इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी कहां पर इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में स्थापना हुई थी लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां स्थित है इसका हेड ऑफिस ज्यूरिख में स्थित है इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है ज्यूरिख में स्थित है और ज्यूरिक कहां पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है ज्यूरिक कहां पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है ठीक बात है भाई अच्छा तो वही है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आइए अगले प्रश्न की तरफ चले और कंजूसी छोड़कर जरा लाइक का बटन सभी लोग दबा देंगे तीन सौवा लाइक पूरा होने वाला है मात्र दस लाइक बाकी है संविधान के अनुच्छेद पंद्रह में किसी भी नागरिक के ना किस आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है निषेध का उल्लेख भेदभाव के निषेध का तो भैया उसमें बताया गया है ना कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है ना हाँ अच्छा बगदाद किस नदी के किनारे भैया बगदाद किसकी राजधानी है याद है ना इराक की राजधानी है है ना याद करिए मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको याद है मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं तो कौन सी दो नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था तो दजला और फरात नदियां कौन कौन सी दजला व फरात नदियों के किनारे विकास हुआ था दजला नदी को आज के समय में कहते हैं क्या टिग्रिस नदी कहते हैं आज के समय में इसको कहते हैं टिग्रिस और फरात को आज के समय में कहते हैं यूफ्रेटस क्या कहते हैं यूफ्रेटस ठीक बात है ना तो याद रखिएगा कि दजला नदी को आज के समय में टिग्रिस और फराद को आज के समय में यूफ्रेटस कहते हैं और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर भी क्या है ठीक है हाँ जी तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसे प्रश्न आते हैं आप जानते हैं कि नील नदी के किनारे प्रसिद्ध रूप से खारतूम शहर स्थित है खारतूम शहर स्थित है और इसी प्रकार से दोस्तों नील नदी के किनारे प्रसिद्ध रूप से काहिरा शहर भी स्थित है और ये दोनों किसकी राजधानी भाई जो है सुडान की राजधानी है किसकी सुडान की राजधानी है और काहिरा साथियों किस देश की राजधानी है मिस्र की राजधानी आप बताइए कि भाई पहले के समय में ज्यादातर शहर किसी न किसी नदी के किनारे क्यों बसाए जाते थे और आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है ठीक है ना जो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन क्यों आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है या ज्यादातर शहर किसी न किसी नदी के किनारे क्यों बसाए गए क्योंकि पानी की बहुत जरूरत जाहिर सी बात है कि पानी जहां आसानी से उपलब्ध होगा लोग वहीं तो रहना चाहेंगे शहर वहीं तो बसेगा ठीक है तो इस वजह से आइए अगला देख लिया जाए यह आज का अंतिम प्रश्न है। बताना है इसमें से कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित है तो नेल्सन शब्द अब देखो भाई ये तो समझना पड़ेगा ठीक है समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे आप एस चाहे रेलवे दीजिए ठीक है ना तो चलिए ये दमदार धमाकेदार प्रश्नों का सेशन यहां पर समाप्त होता है आशा करते हैं कि बहुत आनंद के साथ आपने बहुत धैर्य और बहुत लगन से इस सेशन को पढ़ा होगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करा होगा ये मेरा विश्वास है ना पढ़ने वाले लोगों ने बाकी जो नहीं पढ़ते हैं ज्यादा मन से उनकी बात अलग है बाकी इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर ठीक है तो टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ ले लीजिएगा बाकी आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स लेना हो वीके टेन कोड का इस्तेमाल करिए टेन परसेंट का जबरदस्त डिस्काउंट पाइए है ना और यह प्रोसेस है कि अगर आपको कोई बेस्ट लेना है तो आप क्या करिएगा पहले एमडी क्लासेस ऑफिशियल एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा और फिर पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर क्लिक करके यहां से जो भी आपको पसंदीदा बैच लगे ले लीजिएगा ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया चौंतीस क्वेश्चन सही किया है भाई मलिंगा ने आज बाकी लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यादव जी ने भी चालीस में से पच्चीस क्वेश्चन सही किए हैं ठीक है आपको सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात जरूर बताइएगा सेशन खत्म होने के बाद ठीक है ना हाँ एकदम मन से दिल की बात बहुत बढ़िया दुबे जी चलिए धन्यवाद आज के सेशन में बस इतना ही मिलते हैं फिर कल रात नौ बजे थैंक यू थैंक यू वेरी मच गुड नाइट शुभरात्रि जय हिंद